अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक टी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी के लिए। ब्लैक टी या काली चाय बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे गैस ऑन कर दें और इस पर एक बर्तन चढ़ा देंगे हम, और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कप चाय के लिए 1.5 कप पानी का यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हम पानी उबालेंगे तो चाय वैसे भी क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो 2.5 कप पानी इस हिसाब से पानी का यूज़ करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 1.5 कप पानी डाल दिया है। पानी में यहाँ पे अच्छी तरह से उबाला जाने दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी में उबालना शुरू हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पे चाय पत्ती डाल देंगे। तो यहाँ पे 1/4 छोटे चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। 1/4 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने घिसा हुआ अदरक डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चीनी डाल दें। अगर आप चीनी के जगह पे यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दी है मैंने। अब हम क्या करेंगे, चाय को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो किसी भी चम्मच की मदद से चाय को इस तरह से मिक्स कर दें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से उबाल आने तक के पकाएंगे। तो ये देखिए, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और इसमें सुगंध भी बहुत ही अच्छी आ रही है चाय की। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम छान लेंगे किसी भी कप में। तो यहाँ पे ये स्ट्रेनर की मदद से मैं ये चाय को छान लेती हूँ। तो यहाँ पे इसे गर्मा गर्म छान ले। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सारी चाय को छान लिया है। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी में परफेक्टली 1 कप चाय बना के तैयार की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परफेक्ट 1 कप चाय बन के तैयार है हमारी। तो आप इस चाय को गर्मा गर्म ऐसे ही पी सकते हैं, या फिर अगर आप इसे और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसमें नींबू का रस डाल के पी सकते हैं। तो आप भी इस ब्लैक टी की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।